राज्य लू के चपेट में है ऐसे में इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत कब मिलेगी, यही लोग जानना चाह रहे हैं। ऐसे में बिहार में मॉनसून की एंट्री कब होगी, ये भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में आपको हम बता दें कि IMD के एक रिपोर्ट के अनुसार 14 जून से 15 जून के बीच बारिश हो सकती है। तो ये खबर राहत वाली उन लोगों के लिए है जो गर्मी से परेशान है। और अब भीषण गर्मी को लेकर एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके आपदा प्रबंधन विभाग को आदेश दिया है कि आप जगह जगह पानी की व्यवस्था कीजिए, अस्पतालों में दवा की कमी नहीं होनी चाहिए, गांव में शहर में हर जगह लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसे में अब दूसरी तरफ राहत भरी खबर यह है कि आपको 14 से 15 जून तक बारिश देखने को राज्य में मिल सकती है और इससे इस भीषण गर्मी से तो राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जो पारा है वो बढ़ते जा रहा है। सुबह का वक्त हो या फिर दिन के 12 बजे हो या फिर रात के 10, हर वक्त एक जैसा ही तापमान रह रहा है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बिहार में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के करीबन 12 जिलों में रेड अलर्ट, तो वहीं 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली से बिहार वापस आते हैं और बड़ा आदेश प्रबंधन विभाग को दे देते हैं कि आप व्यवस्था टाइट रखिए, ताकि अगर कोई अस्पताल में भी मरीज पहुंचता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी सचेत रहने की हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में भीषण गर्मी है। राज्य में गर्मी इतनी ज्यादा है कि कहीं शिक्षक जो है वो बेहोश होने लगे थे, बच्चे बीमार होने लगे थे, जिस कारणवश स्कूल को बंद कर दिया गया। लेकिन अब लोगों को इंतजार है तो मॉनसून का। कई जगह मॉनसून की एंट्री भी हो चुकी है। ऐसे में बिहार में मॉनसून की एंट्री कब होगी, ये सवाल है। ऐसे में आपको हम बता दें कि IMD का कहना है कि 14 से 15 जून तक बारिश हो सकती है, लेकिन इस बार जो तपिश देखने को मिल रही है ऐसे में संभावना ये भी जताया जा रहा है कि मॉनसून की एंट्री बिहार में लेट भी हो सकती है। 14-15 नहीं बल्कि 20 जून तक भी बारिश हो सकती है, लेकिन अगर एक बार बारिश होती है उसके बाद तापमान गिरेगा और इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। बाकी अब देखना होगा कि ये मौसम कब बदलता है, क्योंकि एक तरफ 4 से 5 दिनों का हाई अलर्ट बिहार में जारी किया गया है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़े तभी आप घर से बाहर निकलिए वरना घर में बंद रहिए। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी ट्वीट करके आपदा प्रबंधन विभाग को आदेश दे चुके हैं कि आप हर जगह पानी की व्यवस्था कीजिए, बिजली की आपूर्ति जो है वो पूरे तरीके से गांव शहर हर जगह करवाना होगा और उसके साथ साथ अस्पतालों में भी दवाओं की व्यवस्था पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश सामने आया है। और ये बड़ा फैसला नीतीश कुमार दिल्ली से आते ही जैसे पटना में आते हैं और बिहार की हालत देखते हैं, बिहार में जितनी गर्मी है उसको देखते हैं और उसके बाद ये आदेश जारी कर देते हैं। और अब उसके बाद अब जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, अस्पतालों में जो दवा कम है उनको भरा जा रहा है। और इसके साथ एक जगह एक तरफ जहां स्कूल बंद है तो वहीं दूसरी तरफ अब इंतजार है तो मॉनसून के बिहार आने का। ताकि अब आगे से जुड़ी कोई नई खबर आती है तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।